ऐसा ग्रामीण शिक्षा का स्वरूप कुछ बनेंगे छात्र, तभी तो अध्यापकों की मेहनत लाएगी रंग, छात्रों की कामयाबी बढ़ाएगी टीचर्स का गौरव। कलम होगी मजबूत तभी तो कर्म होगा सफल। ग्रामीण हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को अभी तक सुधार की काफी जरूरत थी। शायद यही वजह थी कि सुविधाओं के अभाव में छात्रों के साथ टीचर्स का भविष्य भी दांव पर लगा रहा, क्योंकि एक छात्र की सफलता से ही टीचर्स का मान सम्मान बढ़ता है। टीचर्स और छात्रों के बीच इस कड़ी को और ज्यादा मजबूत करने का माध्यम बना है सामाजिक सरोकार परिवार, जिन्होंने अपनी मेहनत लगन से शिक्षा के स्वरूप को ही बदल दिया है। तभी तो हरियाणा में ऐसा पहली बार हो रहा है कि अच्छे नंबर आने पर ना केवल छात्रों को बल्कि उनके अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। 2700 अभिभावकों, 800 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। छात्रों टीचर्स को आधुनिक साइकिल स्मार्ट वॉच दी गई। अभिभावकों को शॉल और चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। छात्रों की करियर काउंसलिंग भी करवाई जाती है। 38 गांवों में 82 लाइब्रेरी खोली गई है। छात्रों को पढ़ाई का माहौल दिया जा रहा है। लाडो सरस्वती अवार्ड की शुरुआत भी की गई। ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान के तहत सामाजिक सरोकार परिवार ये सब कार्य लगातार कर रही है। अध्यापकों का कर्तव्य है छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन देना। ऐसे में सामाजिक सरोकार परिवार के सहयोग से लगातार छात्रों की राह को और सुगम बनाकर मंजिल तक पहुंचाने का काम जारी है। अध्यापकों का मानना है कि इस सम्मान से उनका सर ऊंचा हो जा रहा है और उनके हौसले दुगने, जिससे कि वो बेहतर तरीके से विद्यार्थियों को और बेहतर शिक्षा दे सके। अध्यापकों का कहना है कि इस सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता है और ये पहली बार है कि किसी संस्था के द्वारा सिर्फ छात्रों को नहीं बल्कि उनके अध्यापकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए। आज बहुत बढ़िया, पहली बार जो हमने देखा है ये कि इस बार बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी सम्मानित करने किया जा रहा है सामाजिक सरोकार संस्था द्वारा, जो कि बहुत अच्छी पहल है अध्यापकों के लिए कि हम और मन लगाकर जो है बच्चों के साथ में अटैच होंगे और बढ़िया रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। इस संस्था की तरफ से बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जो सुविधाएं बच्चों को आगे पढ़ाई में हौसला बढ़ाएंगी और उनको अपने मंजिल के प्रति मल जागरूक करेंगी, वो अपनी मेहनत से पढ़ाई आगे कामयाब हो पाएंगे। और इस संस्था द्वारा बहुत अच्छी हेल्प दी जा रही है, जैसे टेबलेट हैं, साइकिल हैं, बुक्स हैं, स्कूलों में जिस तरह लाइब्रेरी खुलवाई गई है, गांव में पीने के पानी के लिए आरओ लगवाए गए, बहुत सारे अच्छे काम करवाए जा रहे हैं। मोटिवेशन मिलता है सबको, स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ हमारा ऐसे सम्मान होगा तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। टीचर्स को भी खुशी होती है कि भाई हमारे द्वारा आगे जा रहे हैं जो बच्चे, तो इतना नाम उनका रोशन हो रहा है, गांव का नाम रोशन होता है मैडम, बहुत खुशी होती है। ये तो बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए भाई, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इस लेवल पे हैं, उसके लिए जितना शिक्षक का है तो उसी चीज़ को मोटिवेट कर रहा है ये परिवार और आगे भी करेगा, पहले भी करता आया है। जरूरी नहीं है प्राइवेट में बच्चा पढ़े, एजुकेशन अच्छी है तो बच्चा गवर्नमेंट में भी पढ़ेगा। बहुत अच्छा मोटिवेटिव कार्य है जी, इससे टीचर भी मोटिवेट होते हैं और बच्चे तो होते ही होते हैं और समाज को इसमें बहुत ही सकारात्मक इसका असर जाता है। मैं इस SSP सामाजिक सारो परिवार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो इन्होंने शिक्षा के प्रति इतना ऊँचा कदम उठाया है। मैं इनको भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गांव की तरफ भी इन्होंने विकास का ध्यान दिया है। जो बच्चे खाली टाइम में उनको एक माहौल नहीं मिल रहा था पढ़ने का, आज वो बच्चे इस लाइब्रेरी में बैठ के अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और भी दूसरे एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है। तो इन्होंने जो लाइब्रेरी खुलवाई मेरे स्कूल में, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो उस स्कूल के बच्चे हैं, वो भी उसका उपयोग करते हैं और जो बाहर के बच्चे जो स्कूल को पढ़ चुके हैं, आगे BA MA में पहुंच चुके हैं, वो भी मैंने देखा वहाँ पर पढ़ते हैं बच्चे और उसका लाइब्रेरी का फायदा उठाते हैं। ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, और इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम बच्चों को और अधिक मेरिट में लाएं बच्चों को, और साथ साथ में जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलता है, दूसरे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है ताकि वो भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा योगदान दे सके। छात्र अगर कील है तो टीचर वो हथौड़ा जो छात्र के साथ बराबर की मेहनत करता है और इन दोनों के जज्बे को आगे बढ़ाकर बदलते हरियाणा का सपना सच करने की कोशिश सामाजिक सरोकार परिवार की ओर से की जा रही है, ताकि जन जन की सेवा मन मन में आत्मविश्वास जगा पाए।